नमस्ते, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी का अंतिम संस्कार हो चुका है। उनकी चिता को मुखाग्नि उनकी गोद ली हुई बेटी नमिता भट्टाचार्य ने दी। नमिता और वाजपेयी के बीच जो रिश्ता था, उतने प्यारे रिश्ते हमारे यहाँ नेताओं की ज़िंदगी में कम ही नज़र आते हैं। होते भी हैं तो लोगों में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि उन्हें सबके सामने रख सकें। वाजपेयी कॉलेज के दिनों में जिस लड़की को पसंद करते थे, नमिता उन्हीं की बेटी हैं, राजकुमारी कौल की बेटी। वही राजकुमारी जिनसे अटल ने बहुत प्रेम किया। इन्हीं राजकुमारी के रास्ते जाएं तो वाजपेयी का गांधी परिवार से भी एक रिश्ता ठहरता है। राजकुमारी कौल रिश्ते में इंदिरा गांधी की बहन लगती थी। 16 अगस्त 2018 को वाजपेयी चले गए। एक दिन बाद 17 अगस्त को उनका शरीर भी चला गया। उन्होंने शादी नहीं की थी तो बच्चे भी नहीं थे, पर उन्होंने एक बेटी को गोद जरूर लिया था। पहले लगा कि नमिता के पति रंजन भट्टाचार्य वाजपेयी को मुखाग्नि देंगे, लेकिन फिर अंत्येष्टि स्थल पर नमिता नजर आईं। सफ़ेद कपड़े पहने नमिता ही सारे विधि विधान कर रही थीं। जब वाजपेयी का शव ताबूत से निकालकर चिता तक ले जाया जा रहा था, तब नमिता आगे आगे चल रही थीं। तभी साफ हो गया था कि बिटिया ही अटल का अंतिम संस्कार करेगी। आम तौर पर हिंदू समाज में महिलाओं को ये हक नहीं मिलता है, अंतिम संस्कार पुरुष ही करते हैं। फिर वो चाहे मरने वाले का बेटा हो, बड़ा छोटा भाई हो, पिता हो, महिलाओं को तो शमशान तक में जाने की भी इजाज़त नहीं मिलती है। पर अटल को उनकी बेटी ने मुखाग्नि दी। जहां तक वाजपेयी और राजकुमारी कौल के रिश्ते का सवाल है, तो इसकी शुरुआत ग्वालियर से हुई थी। तब राजकुमारी कौल नहीं हक्सर हुआ करती थी। दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे और एक दूसरे को पसंद करते थे। प्यार दोनों तरफ था। एनपी उल्लेख की किताब है दी अनटोल्ड वाजपेयी। इस किताब में इनकी लव स्टोरी का जिक्र है। किस्सा यूं है कि एक बार वाजपेयी ने एक किताब में लव लेटर रखा था। सोचा था कि राजकुमारी को मिलेगा, जवाब आएगा, लेकिन जवाब नहीं आया। बाद में पता चला कि राजकुमारी ने अटल का खत पढ़ा था और जवाबी चिट्ठी भी उसी किताब में छोड़ी थी, लेकिन वो वाजपेयी को मिली नहीं। फिर कॉलेज ख़त्म हो गया। राजकुमारी के घर वाले अटल के साथ उनकी शादी के लिए राज़ी नहीं हुए। दोनों अलग तो हो ही चुके थे। उधर राजकुमारी के घर वालों ने उनकी शादी दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ब्रिज नारायण कौल बीएन कौल से कर दी और दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में रहने लगे। फिर वाजपेयी भी राजनीति के सिलसिले में दिल्ली आ गए। राजकुमारी की दो बेटियाँ थीं, नम्रता और नमिता। वाजपेयी के सांसद और फिर मोरारजी देसाई सरकार में विदेश मंत्री बनने के बाद उन्हें सरकारी बंगला मिला। इसके बाद अटल ने प्रोफेसर कौल, राजकुमारी कौल और उनकी दोनों बेटियों को अपने पास ही बुला लिया और सभी साथ में रहने लगे। जब प्रोफेसर कौल गुजर गए तो वाजपेयी ने उनकी बेटी नमिता और नम्रता को गोद ले लिया। नमिता की शादी रंजन भट्टाचार्य से हुई। वाजपेयी के दामाद के तौर पर आपने रंजन का नाम कई बार सुना होगा। इनकी बेटी निहारिका भी अपने नाना अटल से बेहद करीब थी। राजनीति से संन्यास लेने और तबीयत खराब होने के बाद जब अटल ने बिस्तर पकड़ लिया, तो राजकुमारी और शिवकुमार ने ही अटल का ध्यान रखा। 4 मई 2014 को राजकुमारी कौल का देहांत हो गया। इस मामले में अटल जी देश के सबसे क्रांतिकारी नेता कहे जा सकते हैं। भारत में आपको ऐसे नेता कम ही मिलेंगे जिनकी प्रेम कहानी इस तरह घूमी हो। राजकुमारी कौल और उनकी बेटियों का अटल के साथ रहना कोई छोटी बात नहीं थी, पर ये अटल, उनका प्रेम, उनका विश्वास, उनका कद ही था कि संघ से लेकर उनकी पार्टी और विपक्षियों तक ने कभी वाजपेयी और राजकुमारी के रिश्तों पर कीचड़ नहीं उछाला। अटल जी के बारे में ऐसे ही तमाम किस्से जानने के लिए आप बने रहिए दी ललन टॉप के साथ। हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अब आप प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। शुक्रिया।